Circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Full stop. Three boys, Ankur, Sayyed, and David. Three boys, Ankur, Sayyed, and David. Ankur, Sayyed, and David are sitting at equal distance on its boundary. Are sitting at equal distance on its boundary each having a toy telephone in his hands. Each having a toy telephone in his hands to talk to each other. We'll start. Find the length of the string of each phone. देखिए वो ये कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर एक ना पार्क है, सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक कॉलोनी है, उसके अंदर एक पार्क है, और पार्क जो है वो सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर एक जो ग्राउंड बना हुआ है तो वो सर्कुलर इन शेप है। अगर आप ऊपर से आसपास किसी भी बिल्डिंग से अगर आप उसके टॉप फ्लोर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो सर्कुलर है हमारा जो ग्राउंड है। तो उसमें आप ये देखिएगा सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है और उसके कॉर्नर्स पर तीन लड़के बैठे हुए हैं, एक का नाम अंकुर है, एक का नाम सैयद है, एक का नाम डेविड है। वो तीनों अलग अलग कॉर्नर्स पर बैठे हुए हैं और उनके हाथ में टॉय टेलीफोन है। टॉय टेलीफोन क्या होता है, देखिए अगर हमारे पास कोई दो तीन बॉक्सेस है, उन बॉक्सेस में हमने कोई भी वायर बांध दिया तो वायर क्या होता है, एक सॉलिड होता है, और अगर मैं उस बॉक्स के थ्रू ऐसे ही कुछ भी बोलता हूँ तो वो उस वायर के थ्रू मिली जो साउंड है वो ट्रैवल करेगी, क्योंकि जो वायर है वो सॉलिड है और सॉलिड के थ्रू साउंड ट्रैवल करती है, बड़े फास्ट तरीके से ट्रैवल करती है। तो हम ये कहेंगे कि उन सबके हाथ में एक एक टॉय टेलीफोन है और वो जब बात करते हैं तो उन वायर्स के थ्रू बातचीत ट्रैवल करती है, वॉइस जो है वो ट्रैवल करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो जब भी हम बात करेंगे टॉय टेलीफोन की तो टॉय टेलीफोन में हमारा जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे, यहां पर ये सर्कुलर पार्क है और सर्कुलर पार्क का रेडियस 20 मीटर दे रखा है और यहां पर एक कॉर्नर में अंकुर बैठा है, एक सेकंड बैठा है, एक मिनट बैठा है। मान लो ए पॉइंट पर बैठा हुआ है अंकुर, बी पॉइंट पर बैठा हुआ है सैयद और सी पॉइंट पर बैठा हुआ है डेविड, ठीक है। तो और ये सेंटर है,
ये सेंटर है इसका, तो जब ये AD, BC और CA ये तीनों इक्वल है, इनकी हमने लेंथ मान ली A, AD की लेंथ भी A, BC की लेंथ भी A और AC की लेंथ भी A, ये हो गया है ना। लेट AB is equal to BC is equal to CA is equal to A, be the length of each string, be the length of each string, ठीक है। तो ये हो गई A, A और A, तीनों स्ट्रिंग्स की लेंथ हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने यहां से एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से पास करी, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो हम ये कहेंगे क्लियरली ट्रायंगल एबीसी इज एन ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बताइए समझ गए कि नहीं, योग समझ में आ रहा है, योग समझ में आ रहा है, ये ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि जब वो इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और ये भी टोटल लेंथ ए है, ये ए बाय टू हो गया, ये भी ए बाय टू हो गया। तो हमने कहा लेट वो बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट वो बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एडी बी एन, एडी बी एन ऑल्टीट्यूड फ्रॉम AD be an altitude from A on BC। AD एक altitude हो गया जो A से BC पर हम drop कर रहे हैं, तो किसी भी equilateral triangle में अगर हम altitude drop करते हैं तो वो सामने वाली साइड को ना bisect कर देता है, 50-50 में डिवाइड कर देता है। मैंने ये कहा कि अंकुर और सैयद के बीच में एक वायर है जिस वायर के थ्रू वो टॉय टेलीफोन के थ्रू बातचीत करते हैं, इसी तरह से सैयद और डेविड के बीच में भी एक वायर है जिस वायर के थ्रू वो टॉय टेलीफोन के थ्रू बात करते हैं, ऐसे ही डेविड और अंकुर के बीच में भी एक वायर है, तो तीनों वायर्स की लेंथ इक्वल है बिकॉज़ ये दे रखा है कि दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस, दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पाथ, ये दे रखा है सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। तो हमने कहा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाली साइड को बाईसेक्ट करता है। जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर हो गया बेटा O, O से मैंने B को ज्वाइन कर दिया, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर क्या है, 20 मीटर इसका रेडियस दे रखा है, सर्कुलर पावर का रेडियस 20 मीटर, ठीक है। तो ये 20 मीटर हो गया, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ये 20 मीटर हो गया, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं ट्राइंगल ABD की, मैं ट्राइंगल AB और D की बात करता हूं, ठीक है। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABD बाई इन ट्राइंगल ABD बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, ये AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर,
इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। अब जो ये ए डी है ये मुझे नहीं पता कितना है, तो मैंने लिख दिया सिंपली ए डी स्क्वायर, और ये जो बी डी है ये है ए अपॉन टू, तो ये हो गया ए अपॉन टू का स्क्वायर, और जो ए बी है ए बी की वैल्यू है स्मॉल ए, ये हो गया ए का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिएगा क्या है कि यहाँ पर ये ए स्क्वायर अपॉन फोर है, अगर इसको इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, AD square is equal to A square minus A square upon 4, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? AD square is equal to, जब LCM लेंगे, तो ये हो जाएगा 4A square minus A square upon 4. तो AD square is equal to 4A square minus A square कितना हो गया? 3A square upon 4. Square rooting both sides. स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर रूट कितना हो गया अंडर रूट 3, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया a, और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो AD इज इक्वल टू अंडर रूट 3 a अपॉन 2, ठीक है? ये आ गई बेटा AD की वैल्यू, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इसमें OA जो है ये 20 होता है, OA 20 होता है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए मेरे से कोई OD की वैल्यू पूछेगा तो OD की वैल्यू मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, OD की वैल्यू हो जाएगी ये पूरी वैल्यू AD माइनस OA, वो करके हम निकाल सकते हैं। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच कोण, मतलब मुझे बेसिकली ये स्मॉल a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। नाउ इन ट्रायंगल ODB इसको इक्वेशन 1 बोलिए, नाउ In triangle ODB, by Pythagoras theorem, बेटा यहां तक तो सबको समझ में आ गया ना, बताइए गरिमा दिव्यांशी, yes yes sir, ठीक है, क्लियर है ना यहां तक तो, इंदर, yes sir, क्लियर है, यहाँ सबको भी क्लियर है, युग, आदित्य, प्राजक्ता, यस सर, यस सर, प्राजक्ता मेरी आवाज आ रही है, भाई पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल ओडीबी, ओडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर। अब ओडी क्या है, ओडी क्या है बेटा, पूरा लेंथ है एडी, एडी में से ओए को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एडी माइनस ओए का होल स्क्वायर प्लस ये जो बीडी है ये कितना है ए अपॉन टू, अपॉन टू का होल स्क्वायर, और ओ बी क्या है, वो भी तो रेडियस है, रेडियस यानी कि 20 का स्क्वायर, फिर एडी माइनस ओए, तो एडी कितना है रूट थ्री ए अपॉन टू माइनस ओए कितना है, ओए इज अगेन रेडियस, तो ये रेडियस भी 20 हो गया, तो रूट थ्री ए अपॉन टू माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, करेक्ट। इसके बाद फिर मैं इस चीज को उधर ही कर रहा हूं, उस तरफ कर रहा हूं, तो देखिएगा जब मैं इसको इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा,
a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए स्क्वायर क्या होगा रूट थ्री ए अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा ट्वेंटी का स्क्वायर और माइनस टू ए बी, तो माइनस टू इंटू रूट थ्री ए अपॉन टू इंटू ट्वेंटी, इससे कैंसिल आउट हो गया। ये तो एक माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, प्लस ए स्क्वायर अपॉन फोर प्लस ए स्क्वायर अपॉन फोर, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा इधर, प्लस ए स्क्वायर अपॉन फोर ठीक इज इक्वल टू 400। रूट थ्री ए अपॉन टू का होल स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो गया थ्री, ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर और टू का स्क्वायर हो गया फोर प्लस ट्वेंटी का स्क्वायर हो गया बेटा 400 माइनस ट्वेंटी इंटू रूट थ्री कितना हो गया ट्वेंटी रूट थ्री ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू 400। तो 400 से यह 400 कैंसिल आउट हो गया। फिर क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करो, तो 3a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस a स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो गया 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 20 रूट 3a इज इक्वल टू 0 ठीक है। अब 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 20 root 3a is equal to 0, 4 से 4 cancel, अब a square minus 20 root 3a is equal to 0, तो a क्या है, length of string a निकालना है मुझे, तो a common ले लीजिए, क्या आ जाएगा, a minus 20 root 3 is equal to 0, a minus 20 root 3 is equal to 0, ये हो गया। तो either a will be equal to 0 or this bracket will be equal to 0। जब भी इस तरीके के factors आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि देखिए दो तरफ multiply हो रही है, a multiply हो रहा है इस पूरे bracket में, तो या तो a 0 होगा या फिर ये bracket 0 होगा, तभी तो दोनों का multiplication 0 हो रहा है। भाई दोनों का multiplication 0 होने का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक term 0 होगी, हम जानते हैं ना 0 into anything is equal to 0 होता है, तो या तो ये a जीरो हो जाएगा या फिर ये ब्रैकेट जीरो होगा। तो देखिएगा हम कहेंगे a इज इक्वल टू 0 और a माइनस 20 रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। a इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ क्या वो 0 हो सकती है, जब स्ट्रिंग की लेंथ ही 0 हो गई तो इसका मतलब स्ट्रिंग कुछ है ही नहीं। ऐसा कौन सी स्ट्रिंग, ऐसा कौन सा वायर हो सकता है जिसकी लेंथ 0 हो, नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये ही जीरो होगा, मतलब a माइनस 20 रूट 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 20 रूट 3 को उस तरफ ले जाते हैं, ये मिटा रहा हूं, माइनस 20 रूट 3 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा प्लस का 20 रूट 3 उसको उधर ले जाइए, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 20 रूट 3 मीटर। बताइए जी समझ में आ गया, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई 20 रूट 3 मीटर। सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है चलिए जी, अच्छा इसके बाद फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। थ्री गर्ल्स इशिता ईशा एंड निशा
बिल्कुल इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, ही ग्रंट्स, इशिता, ईशा एंड निशा और प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल are playing a game by standing on a circle of radius 20 meter drawn in a park of radius 20 meter Ishita throws a ball to Isha. Ishita throws a ball to Isha, comma, Isha to Nisha. Isha. Nisha and Nisha to Ishita and Nisha to Ishita. If the distance between Ishita and Isha between Isha and Nisha and between Isha and Nisha is 24 meter each. And between Isha and Nisha is 24 meter each, comma, what is the distance between Ishita and Nisha? What is the distance between Ishita and Nisha. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नोट करिए सभी बच्चे। अब देखिएगा इसको किस तरीके से करना है, इस क्वेश्चन को कि एक ना बहुत बड़ा पार्क है, उस बहुत बड़े पार्क में तीन लड़कियां खेल रही हैं, इशिता, ईशा और निशा। They are playing by standing on a circle of radius 20 meter drawn in a park. ठीक है, एक पार्क में एक 20 मीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दिया जाता है, एक बहुत बड़ा पार्क है,
उस पार्क में 20 मीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जाता है, उस सर्कल की जो बाउंड्री है उस पर खड़ी होकर इशिता, ईशा और निशा ये एक गेम खेलती है, मतलब वो बॉल फेंकने वाला। फिर इशिता ईशा के पास बॉल फेंकती है, ईशा बॉल कैच करती है, ईशा निशा के पास बॉल फेंकती है, वो कैच करती है। तो ये एक दूसरे के पास ऐसे बॉल फेंक कर बॉल को कैच करते रहते हैं, वो वाला गेम खेल रहे हैं। अच्छा, इशिता थ्रोज द बॉल टू ईशा, ईशा टू निशा, निशा टू इशिता, एक दूसरे के पास ही बॉल थ्रो करके बॉल पास कर रहे होते हैं। अच्छा, different distance between Ishita and Nisha and between Isha and Nisha is 24 meter each. What is the distance between Ishita and Nisha? इसमें क्या दे रखा है? जैसे देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन था अंकुर सैयद और डेविड वाला जो क्वेश्चन था, तो उसमें क्या था, अंकुर सैयद और डेविड वाले क्वेश्चन में ये दे रखा था कि अंकुर सैयद, सैयद डेविड, डेविड अंकुर, इन तीनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल था, they are sitting at equal distances. यहां क्या है, यहां इशिता और निशा के बीच में और ईशा और निशा के बीच में डिस्टेंस सेम है, लेकिन वो पूछ रहे हैं इशिता और निशा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताइए, ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं। अच्छा, अब किस तरीके से करेंगे भाई, इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखकर समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन कैसे हुआ। इशिता और If the distance between Ishita and Isha, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 24 मीटर है। तो जरा मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, नहीं कुछ भी समझ में आए तो प्लीज बताइएगा मुझे, ठीक है। देखिए, एक हमने पार्क के अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया इस तरह से, ये हो गया सर्कल, सर्कल का रेडियस दे रखा है कितना, 20 मीटर। अब ये सेंटर हो गया, सेंटर हो गया ओ, ये हो गया पॉइंट ए, ए पर समझ लीजिए कि ए पर बैठी है इशिता, यहां इशिता खड़ी हुई है, ठीक, और यहां पर है बी पॉइंट, है बी पॉइंट पर है ईशा, ए और बी इशिता और ईशा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 24 मीटर। इसी तरह से इशिता और ईशा के बीच में और ईशा और निशा के बीच में 24 मीटर है, तो आप समझ लीजिए कि ये एग्जैक्टली इसके अपोजिट होगा, ये पॉइंट हो गया सी, यहां पर है निशा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस 24 मीटर, ऐसे बी और सी, ये वाला डिस्टेंस जो है ये भी 24 मीटर, ये हो गया। अब देखिएगा कि अब मैंने क्या करा, अब मैं ए और सी को ज्वाइन कर रहा हूं ऐसे, वो पूछ रहे हैं कि आपको ए और सी के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो ये कैसे निकलेगा, देखिए आपने क्या करा, ओ और बी को ज्वाइन कर दिया, तो ओ और बी क्या हो गया, रेडियस, ठीक है। इसी तरीके से ओ और ए को ज्वाइन कर दीजिए, और ए को भी ज्वाइन कर दिया, इसी तरह से ओ और सी को ज्वाइन कर दीजिए, ये भी ज्वाइन कर दिया, तो ओ ए कितना है 20 मीटर, ओ सी कितना है ये भी 20 मीटर, और ये जो ओ बी है ये भी तो रेडियस है, तो ये भी 20 मीटर हो जाएगा। पहले ये बता दीजिए, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को, ये डायग्राम क्लियर है सभी को, दोबारा बताऊं, गरिमा, इंदर, न्यासा, डायग्राम बताइए, क्लियर है सभी को, यस सर, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पर मेरे को ए से लेकर सी तक की लेंथ निकालनी है, तो ए से सी तक की लेंथ किस तरह से निकलेगी ये देखना होगा, तो
अभी देखते हैं क्या तरीका हो सकता है इसको कैलकुलेट करने का। 20, 20, 24, 24, 24, 24 अगर मैं ये दो ट्राइंगल ले लू, ये वाले दो ट्राइंगल 20 है 24 है 20 है 24 है, बीच वाली साइड हो गई कॉमन, एंगल सेम आ जाएगा, एंगल सेम आते ही साइड एंगल साइड हो जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ बी ए एंड ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ बी ए एंड ट्राइंगल ओ बी सी, ये दो ट्राइंगल ले लीजिए। तो मैं ओ बी ए में क्या करूंगा, ये हो गया ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये तो हो गया कॉमन साइड, ठीक है। उसके बाद सेकंड और थर्ड देखो, बी ए और इसका बी सी, तो बी ए कितना है 24 मीटर, बी सी कितना है 24 मीटर, तो बी ए इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों 24 मीटर है, गिवन है। उसके बाद तीसरा देखो, ओ ए और ओ सी, पहला और तीसरा ओ ए, इसका पहला और तीसरा ओ सी, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये दोनों रेडियस है, इज इक्वल टू हो गया 20 मीटर। तो भाई साइड 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 ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ओबीए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओबीसी, OBA और OBC congruent हो गया, तो इसका मतलब ये जो triangle है OBA, इस triangle का angle O, ये वाला, और ये जो triangle है OBC, OBC इसका angle O, ये दोनों angle equal हो, ठीक है। और यही इसी चीज से हमारा आगे का ये question solve हो जाएगा, देखिए किस तरीके से, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, अभी यहाँ इधर कर रहा हूँ मैं इसको आगे, ये कहेंगे यहां कि एंगल, ये वाला एंगल AOB और एंगल BOC, एंगल इसको बीच में ले लो तो एंगल BOA इज इक्वल टू, इसको बीच में ले लो तो एंगल BOC इज इक्वल टू x से, ये हमने मान लिया कि ये x के बराबर, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। रीजन क्या है, बाई सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो बेटा इसको भी एक्स बोल दीजिए और इसको भी एक्स बोल दीजिए, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप बोल दीजिए ए बी सी डी बोल दो, इसको इस पॉइंट को डी बोल दो। नाउ इन ट्राइंगल ओ डी ए एंड ट्राइंगल ओ डी सी, इन ट्राइंगल ओ डी ए एंड ट्राइंगल ओ डी सी, जब इन दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो ओ डी ए और ओ डी सी, तो इसमें देखिए ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, कॉमन साइड, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, कॉमन साइड, तो ये हो गया, ठीक है। ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरफ दिख रहा हूं नीचे, कॉमन साइड। दूसरा मैं ये कहूंगा कि एंगल ये वाला डी ओ ए और डी ओ सी दोनों एक्स के बराबर है, एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया। फिर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, OA is equal to OC is equal to 20 meter, तो triangle DOA is congruent to triangle DOC,
triangle DOA is congruent to triangle DOC. Reason क्या लेंगे? देखिए ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड ऐसे ही इधर इस ट्राइंगल में ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, यहां लिख रहा हूं मैं भाई SAS congruence criteria. भाई SAS congruence criteria. यहां तक बता दीजिए बेटा सब बच्चों को, क्लियर है? यू क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये होने के बाद में फिर आप क्या करेंगे कि यहां से हो जाएगा AD is equal to DC. एंगल ODA is equal to एंगल ODC and AD is equal to DC. ये हो गया. तो ये जब दोनों एंगल इक्वल आ गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब इक्वल आ गया, तो ये एंगल हो जाएंगे 90 डिग्री के और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आ जाएगी. इसके आगे आप इसको कंप्लीट करिएगा. आप ये देखना कि मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड मेरे पास इक्वल आ चुकी है. इस पूरी साइड को मैं जानता हूं ओबी, ओबी भी हमारा रेडियस है, तो यहां तक कर लीजिए और इसके आगे कंप्लीट करने की कोशिश करना. अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कल की क्लास में इसको करवाता हूँ कंप्लीट. ठीक है, अभी टाइम नहीं बचा हुआ, ये तो मैं खुद करा देता, आप ट्राई करिएगा इसको. पाइथागोरस थ्योरम लगाकर होगा ये. ठीक है बेटा, चलिए फिर आज इतना ही करेंगे.